मौर्यकालीन उच्चाधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था, जो संख्या में 18 थे। तो जो मंत्री थे, प्रधानमंत्री, पुरोहित, प्रधानमंत्री, सेनापति, युद्ध विभाग का मंत्री होता था, युवराज राजा का उत्तराधिकारी, क्षमाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान, वित्त मंत्री होता था, क्षमाहर्ता कहते थे, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष खजानची होता था, प्रतिष्ठा का मतलब होता है फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश यानी कमिश्नर, नायक जो है सेना का संचालक अथवा नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मांतिक उद्योगों कारखानों का अध्यक्ष, दंडपाल पुलिस अधिकारी, व्यवहारिक नगर का प्रमुख न्यायाधीश, नागरक या पौर नगर का प्रमुख अधिकारी या नगर कोतवाल, दुर्गपाल राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष, अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, आटविक वन विभाग का प्रधान, दौवारिक राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान, अंतर्वर्षिक अंतःपुर का अध्यक्ष, फिर मंत्री परिषदाध्यक्ष परिषद का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के जो अधिकारी थे उनको अध्यक्ष कहते थे, इनकी संख्या 26 है। इसमें लक्षणाध्यक्ष जो था मुद्रा एवं टकसाल का अध्यक्ष था, सिक्के जारी करता था, पौतवाध्यक्ष माप तौल का अध्यक्ष था, शुल्काध्यक्ष राजकीय धन जुर्माना इत्यादि कार्यों का अध्यक्ष, सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष, अकराध्यक्ष अकरा खानों का अध्यक्ष, विविताध्यक्ष चारागाहों का, पन्नाध्यक्ष वाणिज्य व्यापार का, नवाध्यक्ष नौ सेना का अध्यक्ष, सूनाध्यक्ष बुचड़ खाने का, संस्थाध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का, गणिकाध्यक्ष वेश्याओं का निरीक्षक, इनसे भी टैक्स लिया जाता था, लवनाध्यक्ष नमक अधिकारी, ठीक ना, याद रखिएगा यहाँ लवना है एक जगह, आपको मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट अधिकारी, महामात्र प्रसरण गुप्तचर खुफिया विभाग सूचना विभाग, सूत्राध्यक्ष रुई काटने कपड़ा बुनने उद्योगों का संचालन करने वाले यूनानी लेखकों ने इन अध्यक्ष को मजिस्ट्रेट की संज्ञा दी है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए लवना अध्यक्ष है जो नमक अधिकारी है, यहाँ लक्षणाध्यक्ष है जो मुद्रा एवं टकसाल, इस दोनों में कन्फ्यूज़ मत होइएगा।